हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि CAPF के फोर्सेस में आपकी लाइफ कैसी रहती है, आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहती है और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऑलराइट, तो हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी कंसाइज कैप्स्यूल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि CAPF में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB, ठीक है, ये फोर्सेस होती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपका जो CAPF का एग्जामिनेशन रहता है, ये भी देखेंगे कि डेपुटेशन के लिए और कौन कौन सी फोर्सेस अच्छी मानी जाती है और क्या क्या एवेन्यूज रहते हैं। राइट, ओके, तो आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बेसिक काम क्या रहता है? इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा ये बॉर्डर के जो विलेजेस रहते हैं उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म, उनके उनके दिमाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करना, ताकि उनकी टेरिटरी एज अ स्लीपर सेल या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूज ना हो, ठीक है। साथ ही साथ वॉर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन आर्मी को सैप एज अ बैकअप सपोर्ट काम करती है। इंडियन आर्मी द बॉर्डर्स में आ जाती है एंड BSF ऑल्सो स्टेज देयर एंड असिस्ट इंडियन आर्मी, ठीक है। एडिशनल टू दीज, BSF को नक्सल एरियाज में भी, ये सारे पैरामिलिट्रीज में कॉमन है, CAPF में कॉमन है, BSF को नक्सल एरियाज में डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूटी एंड ऑल सच कॉमन ड्यूटीज में BSF को यूज किया जाता है, ठीक है। BSF की और खास बात क्या है कि इसका खुद का आर्टिलरी विंग है, एयर विंग है, वाटर विंग है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड CAPF। इट्स वेरी क्लोज, अगर आपको आर्मी वाला एसेंस चाहिए, पूरी आर्मी वाली फील चाहिए, इट्स वेरी क्लोज टू दैट ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट CAPF देखते हैं हम, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ये इंडो चाइना वॉर के बाद एस्टैब्लिश की गई थी 1962 में, इंडो चाइना बॉर्डर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, हाई एल्टीट्यूड में रहना पसंद है, ठीक है, एक बोलते ना कि एक टफ लाइफस्टाइल चाहिए, तो ITBP इज द फोर्स फॉर यू। माउंटेनियरिंग पसंद है तो ITBP इज द राइट फोर्स फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशंस ITBP में काफी फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू BSF, जिसके बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे। एंड यस, इसके एडिशनल ड्यूटी अफगानिस्तान, आपने अभी देखा होगा कि तालिबान से 99 ITBP के कमांडोज को लेके आई है इंडियन एयरफोर्स, और ईरान के एम्बेसीज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनको हिमवीज नाम से भी जाना जाता है, दे आर आल्सो नोन एज हिमवीज। सशस्त्र सीमा बल, पहले इसका नाम सीक्रेट सर्विस ब्यूरो था, ये रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। फिर इसको 2001 में नया नाम दिया गया सशस्त्र सीमा बल। इनकी ड्यूटी रहती है नेपाल एंड भूटान बॉर्डर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट इज द फर्स्ट CAPF टू रिक्रूट वुमेन, ठीक है। नए नवेली फोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, प्रमोशंस फास्ट है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे एवेन्यूज बहुत अच्छे देखने को जा सकते हैं, ठीक है। एडिशनली सारे CAPFs को इलेक्शन ड्यूटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट पुलिस को असिस्ट करने के काम करती है, ओके। यस, वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड, ये जनरली 95% कैंडिडेट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका बेसिक मैंडेट क्या रहता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, और 2009 में एक्ट के बाद से ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंफोसिस, रिलायंस, इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जनरली प्रमोशन इसमें मीडियम है, एंड इफ यू लाइक मेट्रो लाइफ, सिटी लाइफ अगर आपको पसंद है, दिस इज द बेस्ट पोस्ट फॉर यू। दिस पोस्ट गारंटीज मैक्सिमम फैमिली लाइफ, मैक्सिमम फैमिली लाइफ ये पोस्ट गारंटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CAPF, एंड अमित शाह जी ने अपने स्पीच में बोला था कि ये सबसे ब्रेवेस्ट CAPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पहले इसको क्राउन पुलिस भी बोला जाता है। इसकी स्पेशल कमांडो बटालियन होती है कोबरा, वैसे BSF की भी क्रोकोडाइल होती है, ITBP में पैरा होता है, निंजा कमांडो CISF में होते हैं। इनका बेसिक काम क्या रहता है? नक्सल से लड़ना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी
और स्टेट पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का काम। ठीक है, तो आपको अगर नक्सल एरिया जंगल में, वो जंगल वॉरफेयर पसंद है, नक्सल एरिया में आपको लड़ना पसंद है, जंगल में रहना सिटी से दूर, तो सीआरपीएफ इज द बेस्ट पोस्ट फॉर यू। तो ये हमने डिस्कस की फाइव सीएपीएफ। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डेपुटेशन, 5 to 10 ईयर सर्विस पूरी करने के बाद आप डेपुटेशन में जा सकते हैं। यस, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ठीक है, एनएसजी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। इसमें दो रहते हैं, एसएजी और एसआरजी। सीएपीएफ से जो जनरली इंडक्ट होते हैं उनका वीआईपी सिक्योरिटी का काम होता है, आर्मी से जो जनरली इंडक्ट होते हैं उनका अर्बन टेररिज्म से लड़ने का काम होता है। इट इज जनरली हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, दिस इज एसपीजी। 90% लोग इसमें सीएपीएफ के डेपुटेशन के जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम सीआरपीएफ बीएसएफ। तो ये सूट वाले बंदे, अगर आपको पूरे एलाइट कंपनी में रहना है, वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना पसंद है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड मतलब बहुत जो बड़े डिग्निटरीज रहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो यस, एसपीजी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। एंड ये भी बहुत टफ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है आफ्टर 5 to 10 ईयर्स ऑफ कंपल्सरी सर्विस इन योर फोर्स। तो होपफुली आपको एक इंसाइट मिला कि कैसी लाइफ होती है, कैसा वर्किंग कंडीशंस होती है इन द सीएपीएफ। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में टू चूज योर प्रेफरेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये कुछ अपकमिंग कोर्सेस हैं। 16 सितंबर से स्टार्टेड होगा सीडीएस का क्रैश कोर्स, उसी के लाइंस पे ओटी स्पेशल क्रैश कोर्स रहेगा 16 सितंबर से। 30 सितंबर से एफ कैट का फाउंडेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 23 सितंबर से सीपीएफ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 सितंबर से एसएसबी इंटरव्यू, जिन लोगों ने एफ कैट क्लियर किया, सीडीएस क्लियर किया, उन लोगों के लिए एसएसबी का गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, जय हिंद।